हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आरके राजपूत बुक एमसीक्यू कंप्लीट बुक का कोर्स चल रहा है और आपको कैसा पेड क्लास में वीडियो आपको पढ़ाई जा रही है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में भी जाके डेमो आरके राजपूत डेमो क्लास फॉर पेड कोर्स, ठीक है, आपको वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूं मैं एक चैप्टर का कि पेड क्लास में कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आपको अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सारी फुल डिटेल कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए कैसा पढ़ाया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो जा करके वहां से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी डेमो क्लास की एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। थैंक यू। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही है। एक एक चीज को बैटरी का कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दो, अगर आप कहीं से पेड कोर्स भी बाई किए हो तो उससे बेहतरीन वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्री में। तो बस आप लोगों से बस एक ही है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए। पेड वाले बच्चों से भी बोल रहा हूँ और मेरे यूट्यूब वाले बच्चों से है, बस आप शेयर और लाइक करिए, ठीक है। और इस बैटरी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए कैसे कंप्लीट करवा रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में दे दूंगा और कोर्स के बारे में जानकारी भी दे दूंगा, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी सेल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका कि क्या होता है सेकेंडरी सेल। ये चार्जेबल होता है, इसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स ऑफ देखिए यहाँ पर लिखे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल भी इसे बोलते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। पहले लेक्चर आप लोग वॉच करके फिर इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है, तब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए, लेड एसिड बैटरी होती क्या है, ये इसकी संरचना है, मैंने बना दिया इसको, ठीक है। एक एक चीज को डिफाइन करते हैं पहले इसको, ठीक है, फिर इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग सीखते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, ये होती है निगेटिव प्लेट या निगेटिव टर्मिनल, प्लेट नहीं, इसे निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, जहां पे हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये वेंट। देखिए, सबसे पहले एक एक जो लिखा है इसको बारे में डिफाइन करते हैं। कंटेनर क्या होता है, जिसमें बैटरी को क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। अब कंटेनर किसका बना होता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो कंटेनर बना होता है आपका हार्ड रबर का, कंटेनर बना होता है हार्ड रबर का, ओके। फिर आते हैं प्लेट पे, प्लेट क्या होती है, एक आपका प्लांटी टाइप का प्लेट होता है, एक फ्यूरे टाइप का, ठीक है, बट ज्यादातर यूज होता है हमारा प्लांटी टाइप। प्लेट टू टाइप्स होती है, एक होती है प्लांटी टाइप, ठीक है, प्लांटी टाइप, और एक होता है फ्यूरे टाइप, ओके। ज्यादातर यूज होता है प्लांटे टाइप, ओके, इसमें भी प्लांटे टाइप का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल होता है, वो होता है आप डायलूट H2SO4, ठीक है, डायलूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। डायल्यूट नॉट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं उसे, ठीक है, कॉन्क H2SO4। अब आते हैं हम लोग सेपरेटर पे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेपरेटर। सेपरेटर करता क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये आपकी जो है ये आपकी निगेटिव प्लेट है, ठीक है, क्या है, निगेटिव प्लेट है और ये आपकी जो है पॉजिटिव प्लेट है, ओके। तो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना सेपरेटर का काम है, किसका काम है, सेपरेटर का। ये अगर सेपरेटर नहीं लगाएंगे तो दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और हमारी बैटरी जल जाएगी, काम नहीं करेगी, ओके। तो ये हो गया सेपरेटर का। सेपरेटर बना किसका होता है, हार्ड रबर का, ये याद रखिएगा, सेपरेटर बना होता है हार्ड रबर का, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना सेल कवर, ये जो सेल को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया है सेल कवर, ये भी हार्ड रबर और ये यूज को कवर सेल को करने में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेल कनेक्टर, जो सेल को कनेक्ट करे उसे बोलते हैं सेल कनेक्टर। एक होता है प्लेट कनेक्टर, जो प्लेटों को कनेक्ट करे उसे बोलते हैं प्लेट कनेक्टर। एक होता है वेंट प्लग,
इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेंट प्लग से हम क्या करते हैं, डायलूट SO4 को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इससे गैस जो आती जाती है उसको भी निकालते हैं, ठीक है। ये वेंट प्लग का काम है, इसको यहाँ से खोल के आदान प्रदान कर सकते हैं यहाँ से, ओके। ये सारे वेंट प्लग है और ये टर्मिनल्स है। ये हो गई बैटरी की इनलेट एसिड के बारे में, इतना आपको दे देगी जानकारी। अब देखिए इसकी एक रिएक्शन होती है, कैसे अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में। ये मड स्पेस होता है, यहाँ पे जो मड मतलब होता है तलछट, यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा जम जाते हैं उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अभी आएगा, अभी हम इसके दोस्त को, इसको कैसे चार्जिंग मेथड है सबको डिफाइन करते हैं, ओके। अब इसके केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं, और इस पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूँ कि ये जो प्लेटों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितना होता है, ऑड, हमेशा ऑड नंबर में होगा। मतलब नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से ज्यादा होती है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की संख्या से ज्यादा होती है, ठीक है। और दोनों साइडों पे कार्य कर सके इसलिए ऐसा किया जाता है, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड एसिड बैटरी में ऑड प्लेट होती है या इवन, तो ऑड होती है, और कौन सी प्लेट की संख्या ज्यादा होती है, नेगेटिव प्लेट की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। अब आप केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ये लेड लेड परॉक्साइड या लेड परॉक्साइड नहीं, और फिर इसके बाद 2H2SO4, एक ही इक्वेशन में सब कुछ हम आपको करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद होता है लेड, यहीं पे चार्जिंग की भी इक्वेशन लिख लेते हैं और यहीं पे डिस्चार्जिंग की भी, ठीक है। ये ऊपर हम लिख रहे हैं डिस्चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है उसको लिख रहे हैं डिस्चार्जिंग, ठीक। डिस्चार्जिंग ये होता है आपका लेड सल्फेट, फिर आपका ट्वाइस H2O, फिर लेड सल्फेट। अब ये जो लेड सल्फेट है, एक ये वाला लेड सल्फेट पॉजिटिव प्लेट पे होता है और ये वाला लेड सल्फेट नेगेटिव पे होता है, मतलब दोनों पे और कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है निकलती है यहां से, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये आपका हो गया चार्जिंग का, और यही वाली क्वेश्चन अगर इधर से लेकर जाएंगे तो यही, इसीलिए हमने डबल एरो लगा दिया है, ये हो जाएगी चार्जिंग की। तो चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव प्लेट पे होता है आपका लेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और निगेटिव प्लेट पे होता है आपका स्पॉन्जी लेड, इसे बोलते हैं स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी मतलब एक होता है जैसे आप लोग बोलते हैं स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला, ठीक है, इसे मुलायम होता है, इसलिए स्पॉन्जी लेड, ओके। इससे आप याद रखना है कि निगेटिव वाला क्या होता है, स्पॉन्जी लेड, लेड एसिड सेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवाते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार आप लिखिएगा नोट्स में, फार फुल चार्जिंग, लेड एसिड बैटरी में क्या होती है, फार फुल चार्जिंग, ठीक। EMF 2.1 वोल्ट होता है फार फुल चार्जिंग, ओके। EMF पर सेल लिख रहे हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ऑफ लेड एसिड बैटरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग इसको याद रखिएगा कितना होता है, 1250 से 1280, या इसे अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली 1.25 से 1.28, ठीक है, फुल चार्जिंग पे, ओके। अब पॉजिटिव प्लेट पे भी पूछता है कि जब बैटरी लेड एसिड बैटरी फुल चार्ज है तो उस समय पॉजिटिव प्लेट पे कलर कैसा होता है, तो पॉजिटिव प्लेट का कलर, ये फुल चार्जिंग पे सारे कंडीशन लिखवा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट कलर आप लोग शॉर्टकट में लिखिएगा ऐसे, पॉजिटिव प्लेट कलर। देखिए जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, इसको मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं। बैटरी आपको एकदम स्ट्रांग, और ये हर एग्जाम का फेवरेट लेसन है, ओके, अब फेवरेट टॉपिक है।
पॉजिटिव प्लेट का कलर होता है डार्क ब्राउन भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं चॉकलेटी, आप लोग चॉकलेटी लिखिएगा, ठीक है, चॉकलेटी टाइप का होता है। और निगेटिव प्लेट का कलर कैसा होता है? ग्रे, ग्रे। और हिंदी में से हम यूज कर सकते हैं क्या? स्लेटी, ठीक है, हिंदी में क्या हो सकता है? स्लेटी। ओके, अब आप इन ए लेड एसिड बैटरी फिलर्स आर प्रोवाइडेड टू फैसिलेट फ्लो ऑफ गैसेस, मतलब इसमें कुछ लेड एसिड बैटरी में फिलर्स एक होता है, वो गैस को और वेंट प्लग से, मतलब एक इसमें फिलर होता है, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, वैसे राजपूत की बुक में इसको बताएंगे, फिलर्स इसमें फिल होता है जो वेंट प्लग से गैस को आसानी से क्या करते हैं, निकाल देता है, ठीक है, ज्यादा गैसिंग जब होने लगती है तो। ओके, अब फुल चार्जिंग पे आप लोग इक्वेशन लिख ली, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, और फुल डिस्चार्ज जब रहता है तब इसका कैसे हम पता करते हैं, ठीक है, फुल डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज, अब फुल डिस्चार्ज पे इसको नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ फुल डिस्चार्ज पे। ओके, फुल डिस्चार्जिंग पे जो आपका सबसे पहले ईएमएफ होता है, फुल डिस्चार्जिंग पे ईएमएफ कितना आ जाता है? 1.8 वोल्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है 1.11 से 1.17, नोट करिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, और इसमें और बोथ प्लेट कलर, दोनों प्लेट का जो कलर है लिखेंगे बोथ प्लेट कलर आर व्हाइट, क्या हो जाता है? व्हाइट, बोथ प्लेट कलर व्हाइट, मतलब दोनों प्लेटें डिस्चार्जिंग में सफेद हो जाती हैं पूरा, मतलब आपको चेक करना हो प्लेट देख करके कि डिस्चार्ज है कि चार्ज, आप बता देंगे क्या है, व्हाइट है तो क्या बोलेंगे आप? डिस्चार्ज है। ओके, ईएमएस। और देखिए, किसी भी बैटरी को जब कोई भी चेक करने आता है तो सबसे पहले चेक करता है कि मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेक करना होता है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, बहुत ही आसान तरीका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उसकी 1.25 से एबव है तब हम लोग कहते हैं बैटरी चार्ज है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17 और इसके बीच में, तो बोलेंगे बैटरी क्या है हमारी? डिस्चार्ज है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है लेड एसिड बैटरी में। तो लेड एसिड बैटरी में कुछ इतने हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखा है, और इसको एक हिंदी में नाम भी है, हिंदी वाले बच्चों लिख ले, सीसा संचायक सेल, इसे हम लोग क्या और बोलते हैं लेड एसिड बैटरी को, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करिएगा, सीसा संचायक, हिंदी में सीसा संचायक सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल। अब इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, वो कुछ चार्जिंग मेथड है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसमें एक होती है इनिशियल चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग मेथड, बैटरी को चार्ज करने के हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड। ओके, तो इनिशियल चार्जिंग कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब बैटरी की चार्जिंग में, इनिशियल चार्जिंग में क्या करते हैं, कब इस्तेमाल करते नहीं, क्या करते हैं बैटरी चार्जिंग के इनिशियल चार्जिंग में, इसको हम सबसे पहले आप नोट डाउन करें, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चार्जिंग, मतलब बैटरी को पहली बार चार्ज करने में यूज होता है, इसे लिखिएगा इट इज यूज्ड, क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू चार्ज बैटरी इन फर्स्ट टाइम, बैटरी फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार जब बैटरी को चार्ज करना होता है तो तब हम इसका यूज इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही लो करंट पे हम चार्ज करते हैं, लो करंट पे क्या करते हैं, बैटरी को पहली बार में चार्ज करते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट चार्जिंग। नॉर्मल चार्जिंग, मतलब जैसे हम बैटरी घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेज चार्जिंग, इसको आप लिख लीजिए, जैसे यह नॉर्मल स्टेज क्या है? चार्जिंग है, ठीक है, सिंपल सा नॉर्मल स्टेज चार्जिंग। और एक होती है बूस्टिंग चार्जिंग, बूस्टिंग चार्जिंग जैसे कोई बैटरी है वो क्या हो गया है, मतलब खराब नहीं है, मतलब आपको जब चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, चार्ज नहीं हो रही मतलब उसके जो प्लेट सभी बताए, तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस पर कुछ सल्फर जम जाता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, ले जाते हैं जब दुकानदार के पास, तो बोलते हैं कि लाओ शॉर्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, झटका देते हैं बैटरी को, तो फिर वो चार्ज करने लगती है, तो उसी को बोलते हैं बूस्टिंग। बूस्टिंग के बारे में आप लोग नोट डाउन करिएगा, यह एक मतलब इसे हाई करंट पर क्या कर जाता है, हाई करंट पर चार्ज किया जाता है,
और अगर आपको बैटरी को बहुत तेजी से भी चार्ज करनी है तब भी हम बूस्टिंग चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तेजी से चार्ज करना है तो बहुत इसको क्या करता है इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर मतलब सिग, बहुत तेजी से बैटरी को चार्ज करना है तो हाई करंट से चार्जिंग होते हैं। इसमें नोट डाउन ये करिएगा, इसमें हाई करंट से चार्ज करते हैं बैटरी को, ठीक है, हाई करंट से चार्ज करते हैं बैटरी को, ये नोट डाउन करना है। ओके, इसके बाद आती है आपकी एक ट्रिकले चार्जिंग। ट्रिकले चार्जिंग में इसे इसे बोलते हैं चार्जिंग चार्जिंग फॉर लॉन्ग टाइम, चार्जिंग फॉर लॉन्ग टाइम वेरी लो करंट, वेरी लो करंट, लो करंट नहीं वेरी लो करंट, मतलब करंट की मात्रा कुछ ऐसी होती है 0.1 एम्पी, 0.01 से 0.02 एम्पीयर तक ऐसे होता है, ठीक है। और कुछ मेथड्स हैं बैटरी, ये आप चारों पॉइंट नोट करिएगा, और कुछ मेथड्स हैं और बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसको आप थोड़ा क्या करिएगा नोट डाउन करिए। एक मेथड होता है बैटरी का चार्ज करने का, उसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट करंट मेथड, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इसलिए इसको नोट डाउन कराना आवश्यक है, ठीक है। कांस्टेंट करंट मेथड जितना बता रहा हूं ना उससे ज्यादा 1% भी नहीं आने वाला, गारंटी लेता हूं, ठीक है। कांस्टेंट करंट में इसके लिखेंगे कि यूज, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे यूज, मतलब बैटरी को फर्स्ट चार्जिंग, मतलब प्रथम चार्जिंग, पहली बार चार्जिंग से इनिशियल चार्जिंग है ना, तो पहली फर्स्ट टाइम इट यूज फर्स्ट टाइम चार्ज बैटरी, ठीक है, कॉन्स्टेंट करेंट पे चार्ज किया जाता है इसमें। ओके, इस चार्जिंग जो कांस्टेंट करंट चार्जिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि करंट को कांस्टेंट रखते हैं, और करंट को कांस्टेंट रखने के लिए जैसे किसी बैटरी की रेटिंग 3 एम्पियर की है, ओके, अब हमको 3 एम्पियर करंट उसको कांस्टेंटली देना है तो हम लोग क्या करते हैं इसके चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कांस्टेंट करंट रखने के लिए हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई डीसी सोर्स है, ये क्या है, ये आपका डीसी सोर्स है, क्या है डीसी सोर्स है, और ये आपका सेल सेल या बैटरी से चार्ज करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे एक वेरिएबल रजिस्टर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं पैरेलल में बहुत सारे, जैसे यहाँ पे 2 एम्पियर की इसकी करंट रेटिंग है और सोर्स हमारा क्या ज्यादा करंट फ्लो 5 एम्पियर का है, तो करंट को अगर हमको 2 एम्पियर पास कराना है इसमें ऐसा रजिस्टर कॉम्बिनेशन सेट किया जाए कि करंट इस सर्किट में कितना फ्लो होने लगे 2 एम्पियर, फिर यहाँ से जो करंट पास होगी ये इसमें क्या होने लगेगी चार्जिंग, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कांस्टेंट करंट चार्जिंग में हम कांस्टेंट करंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वेरिएबल रजिस्टेंस, ठीक है, रियोस्टेट नहीं वेरिएबल रजिस्टेंस, कुछ मैंने आइडिया दे दिया यहाँ पे पैरेलल में। ओके, जैसे आपको कुछ यहाँ पे डिटेलिंग कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये आपका क्या है कुछ लैंप मान लीजिए, ओके, जैसे यहाँ पे 2 एम्पियर का चार्जिंग करना है और डीसी सोर्स कितना 5 एम्पियर का, ओके, मतलब वोल्टेज आपका मान लीजिए 5 वोल्ट है या 6 वोल्ट जो भी हो, वोल्टेज ज्यादा होगा इसे तभी तो चार्ज करेगा, तो डीसी सोर्स का वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो हम I=V/R से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस प्रकार, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट का है ना 5 वोल्ट, और ये 2 एम्पियर की रेटिंग का बैटरी है इसको चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे क्या सेट करें, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5 आनी चाहिए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का कि 2.5 बन जाता है और करंट फ्लो होने लगती है 2 एम्पियर की, इसे बोलते हैं कांस्टेंट करंट। फिर बैटरी क्या यहाँ से आएगी करंट ऐसे, ये आपका इस रेजिस्टेंस से पास होगी, फिर यहाँ पे जब करंट फ्लो होने लगेगी तो कितना करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर की, तो बैटरी क्या होने लगेगी चार्ज होने लगेगी 2 एम्पियर की, कांस्टेंट कांस्टेंट करंट से चार्ज होगी, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट करंट मेथड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, इसमें क्या करते हैं पहले कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट करंट, अब आपको एक बताते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ठीक है। देखिए कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में
हम लोग कैसे समझते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का मतलब हो गया आपका कि जैसे वोल्टेज को हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो 5 वोल्ट से चार्ज हो रही है तो 5 वोल्ट रखना है। तो उसमें इनिशियल में जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो इनिशियली ये दो पॉइंट आप लोग नोट करना है इसमें कि इनिशियल कंडीशन में करंट हमारी करंट क्या होती है, थोड़ा करंट मोर होती है, ठीक है। मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन होती है कॉन्स्टेंट वोल्टेज में तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर जब चार्ज होने लगती है स्मूथली फिर करंट की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इस वाले वैल्यू से कम कर देते हैं, करंट की वैल्यू फिर क्या कर देते हैं हम लोग, लो कर देते हैं। ओके, ये हो गई आपकी चार्जिंग मेथड ऑफ बैटरी, ठीक है। अब यहां से चार्जिंग मेथड आप लोगों ने समझ लिया, बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, और लेड एसिड बैटरी के बारे में समझ लिया। ओके, अब यहां आप लोग समझिए डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी एंड देयर डिमांड, मतलब लेड एसिड बैटरी में का दोष, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं सेकेंडरी सेल में के लेड एसिड बैटरी में। ओके, प्राइमरी सेल के दोष और सब कुछ मैंने बता दिया है, पहली वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग राजपूत की बुक को सॉल्व करिएगा, ओके, जो मैंने वीडियो बना के पेड़ वालों को दिया है, बहुत ही उसमें भी डिटेलिंग किया है, आप लोगों को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्वेश्चन आपका एक प्रकार का दोष है, इसे हिंदी में बोलते हैं तलछट दोष। हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बता दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, तलछट दोष। यह दोष उत्पन्न क्यों होता है, लेड एसिड बैटरी में आपको मैंने बताया कि लेड एसिड बैटरी में एक होता है आपका लेड, स्पॉन्जी लेड, ठीक है। तो लेड की लेड और वाटर, इन दोनों की अशुद्धि के कारण ये सेडिमेंटेशन दोष होता है। होता क्या है इसमें कि ये जो इन दोनों में अशुद्धि के कारण आपका जो तली में क्या जमा होने लगता है, ये लेड जमा होने लगता है, और मड स्पेस में, जो मड स्पेस मैंने क्या बताया, जो बैटरी के नीचे यहाँ पे मड स्पेस मैंने बनाया था, और ये आपकी बैटरी थी, ये आपकी प्लेटें थी, ठीक है, ये आपका बीच में क्या था, सेपरेटर था। तो ये जब मड स्पेस यहाँ पे फिल हो जाता है ना, तो बैटरी की ये जो प्लेटें हो जाती हैं आपस में मिल जाती है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये होता है किस वजह से, सेडिमेंटेशन की वजह से। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये जो मड स्पेस मटेरियल है ये इकट्ठा होने लगते हैं ज्यादा, तो जब ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं हम, सेडिमेंटेशन। अब इसके लिए हम बचाव कि बैटरी के नीचे सेडिमेंटेशन ना हो, इसके लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। याद रखिएगा किसका यूज करते हैं, यूज डिस्टिल वाटर, ताकि कोई अशुद्धि ना हो इस वाटर में, ओके। और दूसरा प्लेटों का साफ करते हैं बाहर निकाल के, दूर करने के लिए प्लेट में जो जम जाता है प्लेटों को बाहर निकाल के करते हैं, साफ करते हैं, ओके। अब आप दूसरे, एक होती है बकलिंग, यह भी एक प्रकार का लेड एसिड बैटरी का दोष है। और ये कब होता है बकलिंग, यह बैटरी में, यह बैटरी को उच्च धारा, मतलब हाई करंट, बैटरी को हाई करंट से या हाई करंट पर चार्ज या डिस्चार्ज, जैसे बूस्टिंग करते हैं ना चार्जिंग में, तो बकलिंग वहां पे होती है, ठीक है। बूस्टिंग इसलिए हम लोग जल्दी करते नहीं, बूस्टिंग मेथड का इस्तेमाल, बूस्टिंग में हाई करंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मतलब बैटरी को हाई करंट पे चार्ज या डिस्चार्ज होने पर हमारा जो प्लेटों का ताप है, टेम्परेचर, वो क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो प्लेटें हमारी, जो ये आपकी प्लेटें थी ना, ये आपकी प्लेटें थी इस तरीके से, ठीक, ये प्लेटें मुड़ जाती हैं और आपस में क्या कर जाती हैं, शॉर्ट सर्किट, ये दोनों क्या कर जाएंगी, शॉर्ट सर्किट, ओके। तो इसीलिए हम लोग हाई, ये बकलिंग दोष है आपका, ये एक प्रकार का दोष है, जो अभी हम बता रहे हैं सब दोष ही हैं, ठीक है, मतलब रिमेडिस है इसका, ओके, ये एक प्रकार का दोष है। अब आप लोगों को इसको मतलब दूर करना है, तो कैसे दूर करोगे बकलिंग, सबसे पहली बात दूर करना है तो अब हाई रेट पे चार्ज ही ना करो, ठीक है। और जो हाई रेट पे चार्ज नहीं करेंगे तो प्लेटें शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और 6 एम्पियर की करंट से ज़्यादा
चार्ज नहीं करना है, ठीक है, और 25 एम्पियर से अधिक करंट पे इसे डिस्चार्ज नहीं करना है बैटरी को, तब ये दोष उत्पन्न नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा आप वैल्यू रखेंगे तो उत्पन्न होने लग जाएगा। ओके, और एक और है, इसकी जो एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया एम्पियर आवर क्या होता है, एम्पियर आवर कैपेसिटी के 10% से ज़्यादा अधिक पर चार्ज या डिस्चार्ज ना करें। ओके, अगर इससे अधिक पर चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो बकलिंग होगा। ओके, तो अब एक आता है सल्फेशन। सल्फेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जब कोई बैटरी बहुत लंबे समय तक, जैसे कोई बैटरी है रख दी गई इसी तरह, सब कुछ इसका इलेक्ट्रोड सब कुछ इस करके रख दिया गया है डिस्चार्ज कंडीशन में, और बहुत लंबे समय तक उसको उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरी की जो दोनों प्लेटें होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंदर वाली जो प्लेटें होती है ऐसे, ये जो प्लेटें होती है पॉजिटिव नेगेटिव, इनके ऊपर क्या सल्फर जम जाता है, ठीक है। इस सल्फर जम जाने के कारण क्या हो जाती है हमारा, ये इसको जम जाता है, इसलिए बैटरी काम करना हमारा बंद कर देती है, इसमें कोई करंट प्रवाहित ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस सल्फर को, ये हो गया आपका सल्फेशन, बहुत ज़्यादा देर तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा दिन तक मैक्सिमम मान लीजिए 1 मंथ लेते हैं, 1 मंथ का टाइम लेते हैं, इससे ज़्यादा आप डिस्चार्ज रखते हैं तो सल्फर जम जाता है और इसमें सल्फेशन दोष आ जाता है, ठीक है। अब सल्फेशन दोष को अगर दूर करना है, अब हो गया, तो उसके लिए हम करते हैं ट्रिकले चार्जिंग। अभी मैंने ऊपर बताया कि ट्रिकले चार्जिंग क्या होती है, ठीक है। ट्रिकले चार्जिंग में हम लोग बहुत कम करंट, 0.02 एम्पियर से 0.03 एम्पियर की करंट से हम लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज करते हैं, तो ये धीरे धीरे सल्फर क्या हो जाता है, हट जाता है। एक मेथड और है कि इन प्लेटों को निकालिए या ब्रश से सल्फर को रगड़ के साफ कर दीजिए, उसे यांत्रिक मेथड बोलते हैं। ओके, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा लिख के, कि सल्फेशन को दूर करने के लिए दो मेथड है, एक यांत्रिक दोष और एक ट्रिकले चार्जिंग। यांत्रिक मेथड में क्या करते हैं, प्लेटों को बाहर निकाल के ब्रश से रगड़ के साफ कर देते हैं और फिर पुनः उसमें क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। लेकिन ऐसा बैटरी को खोल के प्लेट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकले चार्जिंग करते हैं, ज़्यादातर यूज किया जाता है कौन सा, ट्रिकले चार्जिंग। ओके, अब आपका लास्ट दोष है लेड एसिड का कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इस दोष में जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो हल्के नीले रंग का एक जंग लग जाता है, ठीक है, दोनों प्लेटों पे जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है दोनों प्लेटों पर। तो किसी तार को अगर इसमें आप कनेक्ट करेंगे तो जंग से कनेक्ट होगा, इससे दोनों प्लेटों से थोड़ी कनेक्ट होगा, इसलिए इसमें जो धारा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, धारा फ्लो ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होती है। ओके, ये हो जाता है आपका कौन सा दोष होता है, कोरोजन, इसे बोलते हैं हम लोग कोरोजन, हिंदी में से बोलते हैं संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण। ओके, अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेल होता है एक, इसको क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं, ठीक है, पहले से प्लेटों पे क्या कर देते हैं, इसको पेट्रोलियम जेल को लगा देते हैं ताकि इस पे ये क्या हो जाए, जंग ना लगे। ओके, तो कोरोजन को दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली। ओके, तो आपको इतना, मतलब लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग मेथड, डिस्चार्ज और कैसे क्या होता है, सारा डिटेलिंग मैंने कर दिया है, और अगले लेक्चर में आपकी बैटरी टोटली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम पेड वाले बच्चे तो अपने 10 बच्चों को आप शेयर करोगे, इससे आप लोग 150 से अबव पेड हो तो 10 गुना करोगे तो 1500 लोगों के पास कम से कम जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को ये काम करना है, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो तो शेयर करते ही हैं, लाइक भी करते हैं, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। ओके, और कोर्स के बारे में इन स्क्रीन पे एक डेमो लेक्चर दिया है पेड कोर्स के बारे में, और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग वहाँ से जाकर के डिटेलिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।